يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم। सूरह शूरा की तिलावत हमने और आपने समाप्त की। शूरा का माना होता है मशवरे के लिए जो अफराद बुलाए जाते हैं उन्हें शूरा कहते हैं। इस सूरह मुबारका का नाम शूरा इसलिए है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशवरे के हवाले से उसकी बरकतों को बयान फरमाया है। ये सूरह मुबारका उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद कुफार मक्का ने आपके इंसान होने पर एतराज़ किया तो अल्लाह ताला ने उस वक्त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान फरमाते हुए इस सूरह मुबारका को नाजिल फरमाया। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि कुफारे मक्का सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बशर और इंसान होने पर ताज्जुब और हैरत कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे तो किसी इंसान को फरिश्ते से बेहतर बना दे। इसलिए कि जिस रब ने फरिश्तों को बनाया उसी रब ने इंसान को पैदा फरमाया, तो कुछ इंसान ऐसे भी हो सकते हैं जो फरिश्तों से बेहतर हो, और यकीनन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम फरिश्तों से बेहतर है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ्फारे मक्का के जो बुरे कारनामे थे उनको बयान किया और अल्लाह ताला ने अल्लाह के मुकद्दस कलाम ने उन्हें दावत फ़िक्र दी कि ए कुफ्फारे मक्का, तुम लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िलाफ़ जो पूजा पाठ का और बुतों का जो कारोबार शुरू कर रखा है, ज़रा गौर तो करो कि तुम किसकी इबादत करते हो। एक पत्थर जो बेजान किसी पहाड़, किसी जंगल और किसी सहरा में पड़ा हुआ था, उसके बाद किसी फनकार ने उसे उठा लाया और लाने के बाद खूबसूरत तराश लिया, तो तुम उसके पीछे पड़ गए, तुमने उसे अपना माबूद बना लिया। और तुम्हारा ये कारनामा इतना घिनौना और इतना बदतरीन है कि इस पर तो आसमान को फट जाना चाहिए था, मगर अल्लाह ताला तुम्हें मोहलत देता है, तुम्हें अल्लाह ताला ढील देता है, तुम्हें अल्लाह ताला वक्त देता है ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करके तुम भी उसके सच्चे बंदे बन जाओ और तुम कुफ्र और शिर्क को छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूरुर रहीम है, वो कभी भी किसी को फौरन हलाक नहीं फरमाता। और आप एक बात अच्छी तरह याद रखें कि अहले ईमान में भी अल्लाह ताला जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसे छूट देता है, मगर बंदा उस गुनाह के बाद ये समझता है कि मुझे छूट मिल रही है तो मैं सही रास्ते पर हूँ, और फिर वो गुनाह पर गुनाह गुनाह पर गुनाह करता जाता है, और फिर एक वक्त वो आता है कि वो अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। और अल्लाह ताला की ये आदत करीमा है कि अल्लाह ताला जब भी किसी बंदे को उसके गुनाह की सज़ा देता है तो उस वक्त देता है जब बंदा गुनाह करके भूल चुका रहता है, फिर बंदे को याद भी नहीं आता कि मुझे ये किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, तो उस वक्त बंदा कहता है पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हुआ, हालांकि वो सुबह से शाम तक गुनाह करता है मगर कहता है कि पता नहीं मुझसे क्या गुनाह हुआ। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने एक चीज़ को और बयान फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा भी होता कि जिस तरीके से तमाम फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है उसी तरह से सारे इंसान अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते, कोई अल्लाह की नाफरमानी ही ना करता, सब अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते,
मगर अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से ये फैसला फरमाया कि ऐसा नहीं किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, हत्ता के हदीस पाक में यहां तक आया है कि जो छतों के चटकने की आवाज आती है वो भी अल्लाह की तस्बीह, जंजीर की जो आवाज आती है वो भी अल्लाह की तस्बीह है। बल्कि कुरान की आयत की रोशनी में अगर हम ये कहें, ये जो लूम चलते हैं खटपट की जो आवाज आती है ये शोर मचा रहे हैं, मगर हम कुरान की रोशनी में ये कह सकते हैं कि वो भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। तो ऐसा जब अल्लाह ने लूम को, जंजीर को, छत को अपनी तस्बीह में लगा रखा है, तो ये भी तो हो सकता था कि सारे इंसान उसके फरमा बरदार हो जाते। जब ये आयत मुबारका एक बुजुर्ग तक पहुंची कि कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने सोचा कि जब कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देती, इसमें हिकमत क्या है। फिर यही हुआ कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत को जाहिर फरमाया, वो इस्तिंजा करने के लिए ढेला तलाश करने लगे, तो जिस ढेले को हाथ लगाते उससे अल्लाह के जिक्र की आवाज आती। अब वो सोचते कि जो ढेला अल्लाह अल्लाह कर रहा हो उससे इस्तिंजा कैसे करें, एक को छोड़ा दूसरे को छोड़ा तीसरे को छोड़ा चौथे को, इस तरह ढेलों से अल्लाह के जिक्र की आवाज आ रही थी, कानों को पकड़ लिया रब की बारगाह में तौबा की, मौला जो तेरी हिकमत है वो हमारे समझ में नहीं आती, वरना मौला जो कुछ तू करता है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। तो कायनात की अर्श अल्लाह का जिक्र करती अगर हमें सुनाई देने लगे तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, कायनात का निजाम रुक जाएगा, वरना ये खामोश जो तस्बीह हो रही है वो भी अल्लाह ताला की हिकमत है। तो ऐसा हो सकता था कि सारे बंदे अल्लाह के फरमा बरदार बन जाते, मगर अल्लाह ताला ने इंसानों को इख्तियार देकर आजमाया कि कौन बंदा इख्तियार के बाद नेक अमल करता है और कौन बंदा बुरा अमल करता है। जो बंदा इख्तियार पाने के बाद अच्छे अमल करे तो बाज मर्तबा बंदा फरिश्तों से बेहतर हो जाता है, और बाज मर्तबा बंदे अगर बुरे अमल करे तो वह जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। तो इसमें भी अल्लाह तबारक व ताला की जो है वो बड़ी हिकमत है कि अल्लाह ने इख्तियार दे दिया कि तुम मस्जिद में आकर सजदा करो या बुतखाने में जाकर पूजा करो, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दे दिया तुम नेक अमल करो या गुनाह करो, अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दे दिया कि तुम इबादत करो या नाफरमानी करो, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा सोचते हो उसके मुताबिक तुम करते हो, और फिर अल्लाह तबारक व ताला उसी के मुताबिक तुम्हें सजा और जजा अता फरमाएगा। महबूब और मरदूद का फर्क यही पर हो जाता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फिर एक और हसीन पैराए में एक बात को बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारा भी खालिक है और वो जमीन और आसमान का खालिक है, तो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें बनाया, तो वो इस बात को ज्यादा जानता है कौन सी चीज तुम्हारे लिए मुफीद है और कौन सी चीज तुम्हारे लिए मुजीर है। मैं बिला तमसील एक मिसाल बताता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मशीनें बनाई जाती है, तो जो मशीन बनाने वाला इंजीनियर होता है, वो उसका जो मौजूद होता है इजाद करने वाला, वो मशीन को बनाने के बाद कंपनी को बताता है कि अगर इसमें पानी डालेंगे तो ये मशीन चलेगी, बाद मशीनों के बारे में बताता है कि इसमें पानी नहीं डाल सकते वरना ये जाम हो जाएगी, है ना, इसी तरह होता है, इसमें डीजल ही चलेगा, इसमें पेट्रोल ही चलेगा, इसमें मिट्टी का तेल ही चलेगा, जिसमें पेट्रोल चलेगा उसमें मिट्टी का तेल डालोगे तो वो खराब हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। यानी जो मौजूद मशीन बनाता है उसे पता होता है कि इस मशीन के लिए क्या मुफीद है और क्या मुजीर है, तो वो कानून बनाता है कि इसमें ये चीज ही डाली जाएगी तो मशीन जो है वो बहुत तवील मुद्दत तक चलेगी, उसकी बहुत लंबी जिंदगी होगी, और अगर उसमें उसके खिलाफ काम किया गया तो फिर उसकी जिंदगी बहुत मुख्तसर होगी। इसी तरह
अगर इसको इसी तरह ऑपरेट किया गया तो ये बहुत दिनों तक के फायदा देगी, वरना ये आपके रुपयों को पैसों को तबाह कर देगी। बिला तशबीह, बिला तमसील, हजार बार बिला तमसील, इंसान भी एक मशीन है, उसके उसका जो निजाम हयात चल रहा है वो भी एक मशीन के तहत चल रहा है। तो जिस तरीके से कंपनी में मौजूद मशीन बनाने के बाद जानता है कि कौन सा पुर्जा किस चीज से फायदा पाएगा और कौन सी चीज से नुकसान पाएगा, तो उस चीज से बचाने का हुक्म दिया जाता है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को बनाया और बनाने के बाद बताया, इंसान तेरे लिए पानी मुफीद है वो हमने हलाल कर दिया, तेरे लिए शराब मुजीर है वो हमने हराम कर दिया। उसी तरह बिला तशबीह के जिस तरीके से पेट्रोल वाली मशीन में पानी डालने को मौजूद कहता है कि न डालना वरना मशीन तबाह हो जाएगी, उसी तरह अल्लाह ताला ने जो मशीन बनाई इंसान की शक्ल में, कहा कि तुम पानी पियो, पानी हलाल है, शरबत हलाल है, ये मशरूब तुम्हारे लिए हलाल है, मगर तुम शराब पियोगे तो ये मशीन जो तुम्हारी अल्लाह ने बनाई है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और तुम्हारे वो फेफड़ों को खराब कर देगी, इंस्टॉलमेंट पर तुम्हें तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो इसी तरह इंसान को जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हलाल और हराम का कानून तुम्हें अता किया है उसमें अल्लाह का कोई फायदा और नुकसान नहीं है, उसने जो हलाल और हराम का जो तुम्हें कानून अता फरमाया है उसमें फायदा तुम्हारा है। अगर उसके मुताबिक तुम अशिया को इस्तेमाल करोगे तो तुम ज्यादा दिन तक के जिंदा रहोगे, अल्लाह नेकियों की बरकत से तुम्हें जिंदगी अता फरमाएगा। दूसरी चीज, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में सुकून और राहत अता फरमाएगा। तीसरी चीज, आखिरत में उसकी फरमावरदारी करने की वजह से वो तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। और अगर तुमने अपने लिए कानून खुद ही वजह कर लिया तो इस बात का तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि तुम अपने लिए कानून खुद वजह करो, क्योंकि मशीन बनाने वाले से ज्यादा मशीन के बारे में कोई और नहीं जानता और कोई और उसके बारे में जाब्ता और कानून वजह नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर किसी ने मोबाइल को ईजाद किया और फिर कोई अनपढ़ और अनजान आदमी जो मोबाइल का जो है वो अलीफ का भाला नहीं जानता हो, अगर वो शख्स उसके बारे में कानून वजह करे और बताए कि नहीं नहीं वो जो मौजूद कहता है वो सही नहीं है, बल्कि इसे पानी में डालेंगे तो भी ये सही रहेगा, तो इस तरीके से उसका पागलपन ही कहा जाएगा। तो इसलिए यहां बंदों को कितने दिलनशीन अंदाज में बताया गया कि बंदों, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए जाब्ते हयात मुकर्रर किया है वो तुम्हारे लिए दुनिया में भी बेहतर है और आखिरत में भी बेहतर है। तो बंदों को चाहिए कि अगर वो अपनी जिंदगी से फायदा उठाना चाहते हैं तो वो जो है वो अल्लाह के कानून पर, अल्लाह के ने जो जाब्ते हयात अता किया है उस पर अमल करे। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है, एक मिसाल मैं आपको और बताऊं। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकरबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, मगर लोगों ने नहीं माना और उन्होंने ये समझा कि ज़िना में तो बड़ी लज्जत है और फिर लोग बुराई की तरफ गए। नतीजा क्या हुआ, जवानी की उम्र ही में वो एड्स के शिकार हो गए और देखते ही देखते जो फूल की तरह खिला हुआ नौजवान था वो ज़िना और बुराई की बुनियाद पर जब एड्स का शिकार हुआ तो 80 साल के बूढ़े से ज्यादा वो कमजोर नजर आया और फिर देखते ही देखते वो दुनिया में जवानी से नहीं दुनिया से रुखसत हो गया। तो नुकसान किसका हुआ, अल्लाह तो हय्यु कय्यूम है, उसके तो हजारों करोड़ों बेशुमार बंदे हैं, किसी के मरने और जिंदा होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नुकसान किसका हुआ, अगर वही बंदा अल्लाह ताला के कानून पर अमल करता। इसी तरह से बहुत ज्यादा देर तक नापाक रहना, इससे इस्लाम ने मना फरमाया, फौरन गुस्ल करो। और आज की साइंस कहती है कि नापाक रहने से बंदे को जो है वो फिजिकली तौर पर नुकसान पहुंचता है। अल्लाह के हबीब ने 14 सदियां पहले इसे बयान फरमा दिया, कुरान ने पहले बयान कर दिया, लेकिन लोगों ने उसे नहीं माना। जो लोग सुबह सूरज निकलने से पहले गुस्ल करने के आदी हैं वो बुढ़ापे में भी टनाटन नजर आते हैं, वजह यही है अल्लाह के कानून पर अमल कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह ताला ने हमें इस बात को बिल्कुल खुले तौर पर बता दिया कि कानून वही दुरुस्त है जो अल्लाह ने बनाया और अल्लाह के हुक्म पर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। फिर उसके बाद ये बात बताई गई कि तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम जो भी दावत और जो मजहब लेकर के आए उनकी दावत मजहब इस्लाम ही थी,
उन्होंने कोई फितना फसाद बपा नहीं किया, उन्होंने एक ही दावत दी कि तुम माबूदान बातिल को छोड़ो, दरख्तों को, पत्थरों को, दरियाओं को, जानवरों को छोड़ करके तुम एक अल्लाह की इबादत करो। बस वो एक ही दावत लेकर आए थे और नबी की रिसालत का इकरार करो, मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान लाओ, अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर अपने दिलो दिमाग के अंदर पैदा करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान के दिल से कयामत का तसव्वुर निकल जाता है, मरने के बाद उठने का तसव्वुर निकल जाता है और अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर निकल जाता है, इंसान कितना गिर जाता है कि इंसान चूहे को माबूद मान लेता है, इंसान हवाओं को माबूद मान लेता है, निकलते हुए सूरज को माबूद मान लेता है, चांद को माबूद मान लेता है। यह है इंसान की गिरावट, नफा और नुकसान को माबूद मान लेता है। क्यों? इसलिए कि जवाबदेही का तसव्वुर निकल गया, इंसान गौर नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने बताया जितने भी अंबिया किराम आए उन्होंने एक दावत दी अल्लाह की तरफ और नबूवत और रिसालत की तरफ, तो अल्लाह के किसी नबी ने फसाद नहीं फैलाया। मगर अंबिया किराम को फसादी क्यों कहा गया? हर नबी को उनकी कौम के जो सरकश और फसादी लोग थे उन्होंने नबी को फसादी कहा। खुद अहले मक्का ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फसादी कहा। क्या कहते थे वो लोग कि हम लोग तो एक मजहब पर जिंदगी गुजार रहे थे, इस शख्स ने उठ करके खड़े होकर एक खुदा की वैधानियत का ऐलान किया और चचा को भतीजे से लड़ा दिया, मामू को भांजे से लड़ा दिया, बाप को बेटे से लड़ा दिया, हम तो एक मिल्लत पर थे। मगर वो जालिम नहीं जानते थे कि हक की दावत देना ये फसाद नहीं है बल्कि ये तो सिराते मुस्तकीम है, ये तो सुलह का जो है वो पैगाम है, मगर लोग उसे नहीं जाने और लोगों ने जो है माजल्ला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम व तस्लीम पर तफरकाबाजी और फसाद का इल्जाम लगाया। और आज भी उलमाए हक पर लोग वही इल्जाम लगाते हैं हक की बात कहने की वजह से। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया, ए महबूब इनसे कह दो कि जो मैं तुम्हारे दरमियान हक का पैगाम लेकर आया हूं उससे मुझे जो है कोई फायदा नहीं चाहिए, मैं जो है वो अपना कारोबार, नबूवत को मैंने अपना कारोबार नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जब मदीने शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दिन जो है वो दीन की तबलीग में मसरूफ रहे, दीन का काम ही करते रहे, तो चंद सहाबा जो रसूलुल्लाह के जानेसार थे उन्होंने सोचा कि हुजूर को वक्त नहीं मिलता कि हुजूर कारोबार करें, तो उन लोगों ने कुछ रकम इकट्ठा की कि हम इसी तरह हफ्ते में, महीने में, साल में हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया करेंगे ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का खर्च निकलता रहे। वो पैसे लेकर बारगाह रिसालत में आए तो अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल फरमा दी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुर्बा, ए महबूब इनसे कह दो कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी अता किया मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, बल्कि अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी अहले बैत से तुम मोहब्बत करो। बस यही हुजूर ने फरमाया और उनके पैसे उन्हें वापस लौटा दिए गए कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबिया किराम से खास तौर पे हमारे हुजूर से अल्लाह ने कहलवाया कि इनसे कहो कि जो मैंने ऐलान नबूवत किया है इससे मुझे कारोबार नहीं चाहिए, मैं दौलत कमाना नहीं चाहता, मैं सरदारी नहीं चाहता, मैं जो है वो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम लोग अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सच्चे बंदे बन जाओ। और कुफ्फार मक्का को यही शक था हुजूर पर, चूंकि उनके दिलों के अंदर कजी थी, बीमारी थी, वो हुजूर की दिल सोजी की अहमियत को समझ नहीं पा रहे थे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को जो है वो कद्र की निगाह से देख नहीं पा रहे थे। आप कहते हैं ना, और अक्सर कहा जाता है कि जो जैसा होता है अपने आप दूसरों को भी जो है वो वैसा ही समझता है। रात के अंधेरे में दो बंदे निकले अपने घर से, एक बंदा तहज्जुद के लिए जा रहा था मस्जिद और एक चोर था जो चोरी करने जा रहा था, तो तहज्जुद गुजार ने समझा जैसे मैं तहज्जुद पढ़ने जा रहा हूं वो भी तहज्जुद पढ़ने जा रहा होगा, और चोर ने समझा जैसे मैं चोरी करने जा रहा हूं वैसे वो भी चोरी करने जा रहा है। तो इंसान जैसा होता है उसी तरह अपने दूसरों को भी समझता है। तो कुफारे मक्का भी यही समझते थे कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूही फिदा, जो उन्होंने ऐलान नबूवत किया है उसकी वजह से वो हमारे सरदार बनना चाहते हैं, वो बहुत मालदार बनना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, इस तरह से वो अलग अलग ख्याल दिल में लाते थे। तो एक दिन वो अबू तालिब के पास आ गए, जनाब अबू तालिब जो हुजूर के चचा थे, हुजूर उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे।
उनकी मोहब्बत की एक झलक मैं आपको बताऊं। शाब अबी तालिब के अंदर जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल तक के मक्का वालों ने सोशल बायकॉट किया और कि कोई चीज इनसे ना बेची जाए ना इनसे खरीदी जाए और इनको कैद कर दिया जाए, तो एक घाटी में हुजूर को और उनके अकरबा को कैद कर दिया गया। तो शाब अबी तालिब में जनाब अबू तालिब भी हुजूर के साथ थे और अबू तालिब के बच्चे भी थे। तो होता यह था रात को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब सबको सुला देते, हुजूर को भी जनाब अली को जनाब जाफर को वगैरह उनको सुला देते, तो आधी रात के बाद हुजूर को उनकी जगह से उठाते और उठाने के बाद जो है वो हजरत अली को उनकी जगह से उठाते, अली की जगह पे हुजूर को सुलाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर अली को सुलाते, कभी हुजूर को उठाते कभी जाफर को उठाते, जनाब जाफर को हुजूर की जगह पे सुला देते और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाफर की जगह पे सुला देते। यानी रात में ये तब्दीली करते रहते। एक दिन किसी ने पूछा कि क्या बात है, तुम अपने बच्चों की जगह मोहम्मद को सुलाते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद की जगह पे अपने बच्चों को सुलाते हो, ये रात में बदली बदला क्यों करते हो? तो जनाब अबू तालिब की मोहब्बत का ये आलम था। फरमाते हैं मैं देखता हूं कि जब सब सोते हैं तो कुफार देख रहे होते हैं, तो अगर वो रात के अंधेरे में हमला करेंगे अंदाजे से तो मैं मोहम्मद को उठाकर अपने बेटों की जगह पे सुला देता हूं ताकि जब वो हमला करे तो मेरे बेटे कत्ल हो जाएं, मोहम्मद को कोई असर ना हो। ये मोहब्बत थी जनाब अबू तालिब के दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जनाब अबू तालिब और हर मकाम पर अबू तालिब जो है वो हुजूर का दिफा करते थे। उसके बाद तो कुफारे मक्का अबू तालिब के पास आए, कहा अबू तालिब तुम हमारे सरदार के बेटे सरदार हो, अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार थे, सरदार के बेटे सरदार हो, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हारा बड़ा एहतराम करते हैं, तुम्हारे भतीजे मोहम्मद ने जो फसाद बपा कर रखा है तुम्हें मालूम है कि सब लड़ाई झगड़े मक्के में जो है वो फैल चुकी है, इख्तलाफात की आग फैल रही है, हम ये चाहते हैं कि अगर इस नए दिन के ऐलान से मोहम्मद की मुराद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुराद ये है कि वो किसी खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हैं, अगर ऐसा वो चाहते हैं तो हम खूबसूरत लड़कियों की लंबी कतार लगा देंगे, हिजाज की सारी लड़कियां जमा करेंगे, वो जितनी लड़कियों को चाहे अपने हरम में रख ले, और अगर इस दावत से इस नए ऐलान से उनकी मुराद ये है कि वो मालो दौलत चाहते हैं तो हम उनके कदमों में दौलत का अंबार लगा देंगे, वो जितनी चाहे फिर दौलतमंद बन जाए, और इससे मुराद अगर वो सरदार बनना चाहते हैं तो हम उन्हें सरदार भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, मगर उनसे कहिए कि वो ये सब बंद कर दें, और अगर फिर उन पर किसी के जादू का या जिन्नात का या आसिब का असर है तब उनका इलाज करवा देते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें की और कहा कि अगर ये सब नहीं होता तो हम एक बहुत खूबसूरत नौजवान आपको देते हैं मोहम्मद के बदले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद को आप हमारे हवाले कर दें और इस तरह से एक बदल आपको मिल जाएगा, फिर हम जो चाहेंगे उसके साथ सुलूक करेंगे। अबू तालिब पर यह बात बहुत गिरा गुजरी और वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या जवाब दूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उन्हें आने दो, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। अभी वो लोग अबू तालिब के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे और हुजूर जनाब अबू तालिब के घर में दाखिल हो रहे थे, सारा जो पस मंजर था निकलने का हुजूर पाक ने देख लिया और गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान लिया कि क्या मामला है। जब अंदर घर में दाखिल हुए तो अबू तालिब को बहुत गमगीन पाया, जनाब अबू तालिब ने से हुजूर ने पूछा चचा क्या बात है, मैं आज आपके चेहरे पर इतने आप हिम्मत वाले हौसले वाले कि आप मुझे हौसला देते हैं, आपके चेहरे पर मैं अफसुर्दगी के आसार देख रहा हूं, क्या वजह है? तो अबू तालिब ने कहा कि बेटा ऐसा है कि उतबा शैबा वगैरह वगैरह वो आए थे और आकर के वो ऐसी ऐसी बात कर रहे थे कि अगर नए दीन से को फैलाने से और ऐलान नबूवत से मुराद अगर लड़कियों का उसूल है तो हम लड़कियों की कतार लगा देते हैं, दौलत चाहिए तो दौलत का अंबार लगा देते हैं, इस तरीके की जो बातें उन्होंने कही अबू तालिब ने सब बयान किया, अल्लाह के रसूल को जलाल आ गया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहुत सारी बकवास का जवाब एक जुमले में अता फरमाया। ये रसूलुल्लाह का कमाल है, इसमें गुफ्तगू का कमाल भी यही है कि इंसान एक मुख्तसर ऐसा जुमला बोले जिसके अंदर जो है वो समंदर कूजे में सिमटा। मैं तो ये कहता हूं समंदर कूजे में नहीं, रसूलुल्लाह ने जो जुमला फरमाया था समंदर गिलास में सिमट आया था या प्याली में सिमट आया था,
जो हुजूर कूजा भी तो कुछ बड़ा होता है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला क्या था? अबू तालिब ने जब उनकी सारी बकवास व अफवाह को बयान किया तो मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे चचा इस नए दिन से मुझे अपनी जाती हवस मुराद नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है जो मुझे पहुंचाना ही है अल्लाह के बंदों तक। इनसे कह दीजिए कि अगर ये मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज लाकर रख दें और फिर कहे कि मैं दीन की दावत बंद कर दूं तो तब भी मुझसे ना हो सकेगा। फिर अबू तालिब ने ये जो जुमला और अज्म सुना तो जनाब अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद मेरे भतीजे तुम जो चाहे करो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत को फैलाते रहे यहां तक कि अल्लाह ने दीन को गलबा अता फरमाया। तो अल्लाह के रसूल से कहलवाया गया यहां पर कि ए महबूब, आप इनसे कह दो ना मुझे कोई कारोबार मंजूर है, ना मुझे दौलत मैं कमाना चाहता हूं, और ना मैं कोई आपसे मुआवजा चाहता हूं, ना मैं सरदारी चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम लोग एक हो जाओ, शीर व शकर बन जाओ, इतने खित्ते इतने कबीलों में तुम बटे हो और इतने खुराफात में तुम मुब्तला हो, वो सब कुछ छोड़कर तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों के हवाले से बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के जो ईमान वाले बंदे हैं वो अल्लाह ताला की नेमतों को पाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह के उन बंदों में ईमान वालों में कामयाब वो लोग हैं और अल्लाह के नजदीक बेहतर वो लोग हैं जो घरेलू कामकाज में भी और समाज के कामकाज में भी डिक्टेटरशिप नहीं चलाते, यानी अपनी मर्जी को पर नहीं लोगों को हाँकते, बल्कि जब वो घर में भी कोई काम करते हैं तब भी वो मशवरा करते हैं और समाजी कोई काम करते हैं तो भी वो मशवरा करते हैं, और इसमें मशवरे की बरकत बताई गई और मशवरा करने का हुक्म दिया गया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर और भी बहुत सारी आयतें और उस पर जो है वो मामलात हैं। फिर उसके बाद जो है वो सूरह ज़ुख़रुफ़ इसका आगाज होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस की ये सूरह ज़ुख़रुफ़ भी जो है वो सूरह शूरा के बाद ही नाजिल फरमाई। ये जितनी सूरतें आज हमने सुनी हैं ये एक के बाद एक के बाद एक ही अलग तरतीब जो है वो नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरह मुबारका को उस वक्त नाजिल फरमाया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे और दीन तेजी के साथ फैलता और बढ़ता जा रहा था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस के इस सूरत के अंदर इतने दिलनशीन और इतने प्यारे अंदाज के अंदर जो है वो अपने बंदों को अपनी वहदानियत की तरफ और अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत की तरफ बुलाया है। मजामीन इतने अच्छे हैं कि दिल मचल उठता है। वो इस तरह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पर अपने बंदों को ये बताना चाह रहा है कि बंदों, तुमने अक्सर देखा होगा कि जब तुम किसी पर कोई एहसान करते हो, इनाम करते हो, किसी को कोई चीज देते हो और फिर वो उस चीज की कदर न करते हुए नाशुकरी करता है, बेकदरी करता है, तो तुम उस चीज को छीन लेते हो, तुम्हें बुरा लगता है, तुम उस चीज को छीन लेते हो। तो अल्लाह तबारक व ताला अहले मक्का से कह रहा है, कितनी प्यारी बात फरमा रहा है कि मैंने 1,24,000 अंबिया कमोबेश भेजे, ये मेरी सबसे बड़ी नेमत है मेरे बंदों के लिए। क्यों? क्योंकि अंबियाए किराम जब आते हैं तो अंबियाए किराम तशरीफ लाने के बाद अल्लाह के बंदों को बिगड़ने से बचाते हैं, उन्हें डराते हैं, उनकी पेशानी को नफा और जरर के सामने झुकने से बचाते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर अंबिया ना आते तो आज हमारी हालत क्या होती? हम भी माज अल्लाह कहीं पर जो है किसी पत्थर के आगे माथा टेक रहे होते, या सूरज को जो है वो अपना माबूद मान रहे होते, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है कि उन्होंने हमें अल्लाह का पता बताया और हमें बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी उजरत के इतना इतना बड़ा इनाम उन्होंने अता किया कि ईमान अता फरमा दिया, और इससे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं। अगर हमें वो पता ना बताते तो हमें क्या पता होता कि जो खुदा इतना छुपा हुआ है हम उसे कैसे पहचान पाते, हम उसे कैसे ढूंढ पाते।
یہ تو احسان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہمیں رب کا پتہ بتا کر شرک سے بچا لیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لیا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب بھی تم کسی کوئی نعمت دیتے ہو اور وہ نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو تم وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہو، مگر اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں اور میں تم پر کتنا احسان کر رہا ہوں میرے بندوں، ذرا سوچو۔ اللہ پاک قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے اتنے انبیاء بھیجے، انبیاء کرام کی بات ماننے کی بجائے تم نے انبیاء کا مذاق اڑایا، ان پہ پتھر برسائے، ان پر جھوٹ کا الزام کیا، ان کی ناقدری کی۔ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب تم نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیتا، یا جس نبی کو بھیجا ہے اسے واپس اپنی بارگاہ میں اٹھا لیتا اور وہ واپس چلے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ تم نے اللہ کی ناقدری کی، نعمت کی تم نے اہمیت نہیں جانی، اس کے باوجود بھی اللہ نے سلسلے کو بند نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو دین مکمل کرنے کے لیے تمہارے درمیان جلوگر فرما دیا تاکہ تم اپنی منزل مقصود کو پا سکو اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی مضامین الگ الگ رنگ سے بیان کیے جو آپ پچھلے سن چکے ہیں، زمین کی پیدائش، آسمان کی پیدائش، پتھروں کی پیدائش، ستاروں کی پیدائش اور ہواؤں کی پیدائش، وہی ساری چیزیں جو آپ مختلف انداز سے سن چکے ہیں، الگ الگ رنگ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اگر عربی زبان جانتے تو پتہ چلتا کہ بیان کرنے کا انداز کتنا پیارا، کتنا حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح معنی میں بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، ہمارے اندر بھی ایک کمزوری ہے۔ کمزوری کیا ہے؟ ہم اللہ کو ماننے کی بات تو کرتے ہیں، اس کو اپنا معبود تو ہم نے مانا ہے، مگر اللہ عز و جل کے جیسے حقوق ہمیں ادا کرنا چاہیے ہم ویسے نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، دعا کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے بندے، تو ایسی دعا تو کر جیسی دعا کرنے کا حق ہے، پھر دیکھ کے تجھے کیا نہیں ملتا۔ پھر اسی طرح اللہ کے بندے ہو کر ہم عزت کے متلاشی بندوں کے پاس، عزت کے لیے بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہو کر ہم رزق کی فکر میں رضا کو بھول جاتے ہیں، تو گویا کہ ہم بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت میں، خوشی ہو یا غم ہو، اچھی حالت ہو یا بری ہو، شفا ہو یا بیماری ہو، ہر حالت میں اپنے رب سے لو لگا کر کے رکھیں اور اپنی توقعات کو اسی سے وابستہ کر رکھیں اور اس کے نیرے سچے سب سے ٹوٹ کر، سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہ جائیں۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ کیسا مضبوط ہوتا ہے۔ جب بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے نا، تو آپ کو کیا بتاؤں، جب بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو بندہ بیمار بھی پڑتا ہے تو رحمت اس سے پوچھتی ہے، میرے بندے تو کیسا ہے؟ اس کے پیر میں کانٹا چپتا ہے تو رحمت خدا بے چین ہو جاتی ہے، خدا کی رحمت بے چین ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتاؤں ایک بات، مگر بندہ صحیح بندہ بنے، ہم بہت کچھ بننے کی بات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں تو مشرکین کے لیے کہ تم ادھر ادھر پڑے ہو، ہم بھی وہی کرنے ہیں۔ ہم نے اللہ کو رب ماننے کے باوجود انسانوں سے عزت چاہی، انسانوں سے دولت چاہی، ہم انسانوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، ہمارے مسائل کا حل عام انسان نہ کر سکیں گے، سیاسی لیڈر نہ کر سکیں گے، ہمارے مسائل کا حل تو ہمارا رب کرنے والا، ہمارا پروردگار ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں پر اللہ کے بندہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اور میں اسے بہت مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، جناب ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، بہت عبادت کرتے تھے، ہر وقت اللہ کی تسبیح تحلیل اسی میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن شیطان کو جناب ایوب سے حسد ہوا، ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ سے عرض کرنے لگا کہ مولا، تو جانتا ہے ایوب تیری عبادت کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا بندہ ہے، اس لیے وہ میری عبادت کرتا ہے۔ مولا، نہیں، وہ تیری عبادت جو ہے وہ دولت کی بنیاد پر کرتا ہے، تو نے جو اسے مال و دولت دے رکھی ہے نا، اس لیے کرتا ہے۔
अगर तू छीन ले तो वो ना करे। अल्लाह फरमाता मैं जानता हूं कि वो मेरी इबादत मेरी मोहब्बत में करता है, उसे दौलत से कोई सरोकार नहीं। तो कहा मौला तू देख वो ऐसा ही करेगा। अल्लाह ने फरमाया अगर तुझे इम्तिहान लेना है तो मैं तुझे इजाजत देता हूं, जो चाहे कर ले। वो गया और जाने के बाद सारी बकरियां जानवर और जो दौलत माल और दौलत था सब फना कर दिया, खत्म कर दिया। जनाब अय्यूब ने जब ये सुना कि सारी दौलत भस्म हो गई, कुछ नहीं कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर अल्लाह के जिक्र मसरूफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये भी तो अल्लाह ही का जिक्र है, मसरूफ अल्लाह का था उसने ले लिया, आप क्या कर सकते हैं। बात अब अल्लाह की रहमत मुस्कुराई, देख लिया तूने, अब उससे ना रहा गया। कहने लगा मौला अभी उसकी सेहत बाकी है, अभी उसकी सेहत वो तंदुरुस्त है ना, इसीलिए वो तेरी इबादत करता है। फिर उसके बाद ये हुआ, अल्लाह ने फरमाया जा उसे बीमार भी करके देख ले। जनाब अय्यूब बीमार पड़े और इतने बीमार पड़े अल्लाहु अकबर के बाज रावी बयान करते हैं कि उनके बदन में कीड़े पड़ गए। हालांकि अहले सुन्नत का ये मुत्तफक अलैह अकीदा है कि अल्लाह अंबिया को कोई ऐसी बीमारी नहीं देता जिससे लोग उनसे नफरत करें, मगर यहां ये जो बीमारी थी वो तबई बीमारी नहीं थी बल्कि ये इम्तिहानन ऐसा हुआ था। और इसका हवाला जो है मक्तूबात सदी दो सदी में अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी पर इत्तेफाक करते हैं कि आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और नबी के जिस्म में जो कीड़े पड़े थे उस कीड़े को भी अल्लाह ने इतना बरकत वाला बना दिया कि उस कीड़े से अल्लाह रेशम पैदा फरमाता है, इसलिए कि वो कीड़ा नबी के जिस्म में आ गया था तो उसे अल्लाह ने रेशम का कीड़ा, और कीड़े मारे जाते हैं रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, तो जो कीड़ा नबी से मस जो है वो मस हो जाए जिस्म अकदस से, उस कीड़े की भी शान क्या कि बाज़ाब्ता कंपनियां बनती है कीड़े के पालने के लिए। जबकि आपने देखा होगा कि हर इंसान कीड़े से नफरत करता है, बल्कि अगर किसी को जलील करना चाहे तो लोग कहते हैं कीड़ा है क्या तू, है ना। लेकिन वो कीड़ा जो नबी के जिस्म से लग जाए वो कीड़ा भी अजमत वाला होता है, उसे भी दुनिया पालती है। अरे जब कीड़ा नबी के दामन से लग जाए तो उसे दुनिया पालने लगे, वो इतना कीमती हो जाए कि उसे खिलाया जाए पिलाया जाए उसके नाजो नखरे उठाए जाए। तो अगर इंसान नबी के कदमों से वाबस्ता हो जाए तो क्या उसे खिलाया पिलाया नहीं जाएगा, उसके नाज नहीं उठाए जाएंगे। अगर तुम इज्जत वाले बनना चाहते हो तो नबी के कदमों में आओ, यही पैगाम कुरान दे रहा है। तो जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में कीड़े लग गए और वो कीड़े जिस्म को खाते, और जब वो नीचे गिरते तो आप उठा उठा कर जिस्म पर रखते और फिर वो कीड़े जो है वो खाते ही रहते। मगर जनाब अय्यूब है कि अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते। खुदा की कसम कीड़ों का काटना उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाता, क्यों? क्योंकि जो अल्लाह की याद में हो, अरे जो यूसुफ के याद में हो, यूसुफ के जलवों को देख रही हो, उनकी उंगलियों का कटना उन्हें दुख नहीं पहुंचाता, तो जो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में मसरूफ हो, उसके जलवों में गुम हो, तो उन्हें वो तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है। एक दिन मगर ये हुआ कि दो कीड़े बढ़ते बढ़ते बड़े, एक ने जनाब अय्यूब की जबान पे डंक मारा और एक ने जनाब अय्यूब के दिल पे डंक मारा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी कुछ इस पर लिखा है। तो जनाब अय्यूब की आह निकल गई, एक चीख निकली, और जब चीख निकली तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की चीख पर शैतान उछल गया, देखा देखा अब शिकायत कर रहा है। तो अल्लाह ने पूछा मेरे बंदे अय्यूब क्या तुम मेरी शिकायत कर रहे हो? अर्ज किया मौला नहीं, मैं तेरी शिकायत कहां करता, मैं तो बंदा हूं। अब बंदा कहते ही उसे हैं जो अपने मौला की रजा में राजी रहे, जो मौला की रजा में राजी नहीं रहता वो सच्चा बंदा नहीं है। मौला मैं शिकायत कहां कर रहा हूं, मैं तो इतना सारा सब कुछ झेल चुका हूं, मैंने कभी शिकायत नहीं की, मैं तो मसरूफ हूं तेरी इबादत में, आज चीखा तूने क्यों? तो जनाब अय्यूब ने अर्ज किया मौला चीखने की वजह अपने जिस्म की मोहब्बत नहीं थी, वो भी तेरी मोहब्बत थी। क्यों चीखा? मौला इन कीड़ों से कह दे कि ये मेरे जिस्म का एक एक उज्व चाट जाए लेकिन ये जबान और मेरे दिल पर हमला ना करें। मैं ये चाहता हूं कि मेरी जबान भी सलामत रहे और मेरा दिल भी सलामत रहे। तो अल्लाह ने पूछा जब सब गवाना चाहते हो तो जबान और दिल को क्यों सलामत रखना चाहते हो? तो अय्यूब कहते मौला वो भी तेरे लिए, इसलिए जबान सलामत रखना चाहता हूं कि जबान तेरा जिक्र करती रहे, और दिल को इसलिए सलामत रखना चाहता हूं कि दिल तेरी याद करता रहे। ये भी मकसद है तेरे ही लिए, इसे महफूज भी तेरे लिए रखना चाहता हूं, वरना कोई और बात। ये है बंदगी और ये है बंदा। बहुत कुछ हम बन गए
लेकिन अभी तक हम बंदे ही ना बन सके। फिर ये अदा जब पसंद आ गई तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। कुरान में भी फिर ये वाकया मौजूद है कि जनाब जिब्रील ने पर मारा, चश्मा जारी हुआ, अय्यूब ने गुस्ल किया और फिर शिफा मिल गई, फिर वही दौलत, फिर वही बाग, फिर वही बहार, फिर वही बीबियां, सब कुछ फिर वही लौट आया। एक मर्तबा अपने यारों के साथ बैठे थे कि दोस्तों ने पूछा, अय्यूब ये बताओ आपकी जिंदगी के जो है वो तीन दौर हैं, उसको तीन दौर में हम तकसीम करते हैं, एक तो आराम वाला, ऐश वाला, राहत वाला, इत्मीनान वाला, फिर उसके बाद एक मुसीबत वाला, तकलीफ वाला, बीमारी वाला, जिस्म में कीड़े वाला, परेशानी वाला, और तीसरा दौर फिर राहत वाला, ऐश वाला, आराम वाला। अय्यूब बताओ तीनों दौर में अच्छा दौर कौन सा है? जनाब अय्यूब मुस्कुरा पड़ते और कहते हैं, यारो अगर दिल की पूछो, तुम अगर कहोगे तो यही दौर तुम्हें अच्छा नजर आता है जो ऐश आराम का है, लेकिन खुदा की कसम अगर दिल की पूछो तो जो दौर जो बीमारी वाला था, जब जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और लोग मुझसे भाग रहे थे, जिस्म में आंवले पड़ गए थे और लोग मेरे करीब नहीं आते थे, तो उस वक्त रोजाना और सुबह और शाम, रोजाना सुबह और शाम दो मरतबा मेरा मौला मेरे कान में मुझसे पूछता, मेरे अय्यूब कैसे हो? तो उसके कलाम में जो लज्जत थी ना, वो लज्जत उससे मैं सारे गम भूल जाता। जब उसे शिफा हुई है अब वो आवाज नहीं आती। तो इसलिए ये ऐश और आराम क्या काम का? उससे तो बहुत भली वो बीमारी थी जिसमें मेरा रब मुझसे पूछता था, मेरे अय्यूब कैसे, मेरे अय्यूब कैसे, जिसे खुदा मेरा कहे, जिसे खुदा अपना बना ले, खुदा की कसम सारी राहत तो उसी में है। तो अगर हम वाकई बंदे बन जाए, सही माना में बंदे बन जाए, तो फिर क्या कहने। मगर हम सब कुछ बने बंदे, इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कि अगर मेरे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो मैं उसे भी अल्लाह ही से मांगता। इतना तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह पर, इतना यकीन होना चाहिए अल्लाह पर, इतना भरोसा होना चाहिए अल्लाह पर। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस कुरान मुकद्दस की तफसीर सुनकर आज के बाद इतना यकीन पैदा करेंगे कि हमारी हर चीज, हम अल्लाह को रब मान ले, वो हमारी हर चीज को जरूर पूरा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सवालात में वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है, जो लोग तरावी पढ़ते हैं उन्हें बहुत बैठने में काफी मैं दुश्वारी महसूस करता हूँ, समझता हूँ। जो सवाल पूछने वाले हैं वो तरावी के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से आते आते, अच्छी बात है, आया करें आप, लेकिन जनाब अबू तालिब के ईमान के बारे में हमारे मुकादम पूछ रहे हैं कि वो कब ईमान लाए। तो जनाब अबू तालिब के ईमान के बारे में उलमा के दो कौल हैं। बाज उलमा कहते हैं कि वो ईमान नहीं लाए, बाज कहते हैं वो ईमान लाए। मेरा मशवरा ये है कि अवाम को चाहिए कि वो इस मामले में ना पड़े और इसमें जबान खामोश रखें, क्योंकि अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो चचा थे और हुजूर उनसे मोहब्बत करते थे, वो हुजूर से मोहब्बत करते थे, बड़ी कुर्बानियां हैं अबू तालिब की। तो ये उलमा का मसला है और उलमा की तहकीक जो है वो हक है, खुसूसन इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने जो तहकीक फरमाई है वो बिल्कुल हक है, बुखारी की हदीस हक है, और जो उलमा ईमान की तरफ गए हैं उनकी अपनी भी तहकीक है, हम उसे भी सर पर सर आंखों पर रखते हैं। लेकिन अवाम से ये कहते हैं कि वो इस मामले में न पड़े, जब भी जनाब अबू तालिब का जिक्र आए तो खैर से उनका जिक्र करें और उनके ईमान के बारे में बहस न करें, इसी में अवाम की आफियत है। हिंदू बैंक से ब्याज लेना कैसा? तफसील में जवाब इनायत फरमाएं। देखिए ऐसा है कि काफिर जो है वो तीन किस्म के होते हैं, एक जिम्मी काफिर, एक हरबी काफिर और एक मुस्तामिन काफिर। तो हिंदुस्तान में जो काफिर है वो ना जिम्मी है ना मुस्तामिन है, क्योंकि जिम्मी काफिर उसे कहते हैं कि जहां इस्लामी हुकूमत हो और काफिर जुजिया देकर मुसलमानों के जिम्मे पर हो, यानी उनकी हिफाजत का जिम्मा मुस्लिम फौज पर हो, मुसलमान बादशाह पर हो, तो उसे जिम्मी काफिर कहते हैं। तो उनके अहकामात में अक्सर मामलात में उनके अहकामात मुसलमानों ही की तरह हैं। मगर जो हरबी काफिर हैं, यानी जहां मुसलमानों की हुकूमत ना हो बल्कि हुकूमत काफिरों की हो,
और मुसलमान जो है वहां रहते हो, तो ऐसी सूरत में वहां के जो काफिर है वो काफिर हरबी है। समझ में आ गई बात? तो काफिर हरबी के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला रिबा बैनल मुस्लिम वल हर्ब, के मुसलमान और काफिर हरबी के दरमियान जो लेन देन में ज्यादती है वो सूद नहीं है, उसे सूद कहना भी जायज नहीं है। जैसे जो सूद होगा वो हमेशा आराम होगा और जो हलाल होगा वो सूद नहीं होगा। तो जो गवर्नमेंट की जो बैंक है उससे जो बढ़कर पैसे मिलते हैं तो उसे सूद कहना जायज नहीं है, वो सूद है ही नहीं, क्योंकि जो सूद है वो हराम है और जो हलाल है वो सूद नहीं है। और उस पर ये हदीस पाक में आपके सामने पेश कर रहा हूं ला रेबा बैनल मुस्लिम वल हर्ब, के मुसलमान और काफिर के दरमियान जो लेन देन में ज्यादती है वो जो है वो सूद नहीं है। तो वो जो गवर्नमेंट की बैंक से जो ज्यादा मिलता है हमें उसे सूद कह ही नहीं सकते, क्योंकि भाई पानी को कोई पेशाब कहे तो पेशाब थोड़ी हो जाएगा, और जो पेशाब होगा वो हमेशा नापाक और हराम रहेगा लेकिन पानी हलाल ही रहेगा। अब उसे कोई अगर पेशाब कहता है या शराब कहता है तो ये उसकी अपनी इल्म की कमी है, कमजोरी उसके अपने इल्म की है। तो गवर्नमेंट की बैंक से जो ज्यादा मिलता है तो वो सूद नहीं है, उसे अपने काम में लाना भी जायज है, मस्जिद में उसका चंदा देना भी जायज है और उसका इस्तेमाल भी बिला करार, यानी आप अपनी हलाल कमाई को जिस जिस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं उन तमाम कामों में उस ज्यादा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हदीस पाक पेश की। अब इस पर कोई ये कहे कि मेरा दिल नहीं मानता या ये नहीं होता वो नहीं होता, तो मैं ये कहता हूं कि मेरा मिजाज ये है के रसूलुल्लाह की हदीस अगर आ जाए तो दिल माने या ना माने, दिमाग माने या ना माने, इताअत इसी को कहते हैं कि हम सरखम कर दें। अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप लीजिए, ले जाकर गरीबों में तकसीम कर दीजिए, मगर यह है कि आप उसे हराम नहीं मान सकते। अगर आप उसे हराम कहेंगे तो आप रसूलुल्लाह की हदीस के मुनकिर हो जाएंगे। इसलिए हां, जो काफिर हरबी नहीं है या जहां हरबी हुकूमत नहीं है, जैसे कि सऊदी में और शाम में नाम निहाद ही सही मगर मुस्लिम हुकूमत है, अगरचे वहां मुकम्मल इस्लामी कवानीन नहीं है मगर नाम निहाद ही सही मुस्लिम हुकूमत है, तो वहां गवर्नमेंट की बैंक से सूद आप नहीं ले सकते, क्योंकि वहां की हुकूमत जो है वो नाम निहाद ही सही मगर मुसलमान हुकूमत है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो समझने की है। तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब अगर किसी को इत्मीनान नहीं होता तो वो मुझे फोन कर ले या बिल मुशाफा मुझसे मुलाकात कर ले, बात का बतंगड़ ना बनाए, जो हुक्म है मुझसे पूछा गया मैंने उसे बयान कर दिया। अब अगर आपको इत्मीनान चाहिए तो आप मेरे पास आकर मुझसे मुलाकात करें, हम मजीद दलाइल पेश करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर मौकिके मसाइले जदीदा, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने इस पर पूरी किताब लिखी है, जदीद बैंककारी और इस्लाम के उन्वान पर उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है, वो किताब हम आपको दे देंगे, आप उस किताब को पढ़ लीजिए और अपना इत्मीनान कर लीजिए। क्योंकि इतनी एक छोटी सी महफिल में हम हजारों दर्जनों दलाइल तो पेश नहीं कर सकते वक्त की नजाकत को देखते हुए, इसलिए हमने एक हदीस पाक पेश कर दी। एक सवाल है कि कुल 73 फिरके आने वाले हैं तो जिसमें एक फिरका जन्नत में जाएगा, तो वो लोग बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे में 4 इमाम है, अबू हनीफा, शाफई, मालिक, अहमद इब्ने हंबल, तो इसमें से एक ही फिरका जन्नत में जाएगा तो बाकी तीनों का क्या होगा। असल ऐसा है कि मसाइल में ये चारों अलग अलग हैं लेकिन चारों का अकीदा एक है, और फिरके जो है वो अकीदे की बुनियाद पर बनते हैं, मसाइल की बुनियाद पर नहीं बनते। बात समझ में आई? तो ये हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, ये सब एक फिरका है अहले सुन्नत व जमात, और सहाबा से लेकर कयामत तक जो इस अकीदे पर रहेगा वो भी अहले सुन्नत व जमात रहेगा, तो वो एक ही फिरका कहलाएगा। ये चार फिरके नहीं है, पहली बात ये फिरके नहीं है, मसलक अलग चीज है, फिरका अलग चीज है। तो ये पूरा फिरका फिरका नाजिया अहले सुन्नत व जमात है, और ये पूरा एक फिरका इंशाल्लाह अपने इमामों के साथ जन्नत में जाएगा। और इस पर कुरान की आयत भी है कि और हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हारे इमामों के साथ, हम लोगों को जमा करेंगे उनके, ये नहीं कहा कि इमाम के साथ, किसी एक ही इमाम वाले को जमा नहीं किया जाएगा,
بلکہ کیا فرمایا ہم بلائیں گے تمہیں اماموں کے ساتھ, یعنی چاروں کو بلایا جائے گا انشاءاللہ, اور چاروں جنت میں جائیں گے. ایک سوال ہے, سلام کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد کہا جسم کے بال کے بارے میں واضح کیجئے. سوال ہی آپ کا ایسا ہے کہ میں سمجھ نہیں سکا, جب میں نہیں سمجھوں گا تو آپ کو میں جواب کیا دوں گا, کیا واضح کروں؟ آپ اس کا سوال آپ واضح لکھ کر بھیجیں, پھر ہم واضح کریں گے کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. تراویح کی دعا نہیں آتی تو کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب تک کہ تراویح کے بعد کی دعا آپ کو یاد نہیں ہو جاتی, آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. نہیں یاد ہوتی ہے تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ آپ اسے پڑھیں, لیکن تراویح کی دعا کی بات ہی کچھ اور ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کے اندر جو اللہ پاک کی تسبیح بیان کی گئی ہے, اسے پڑھنے کے بعد ایسا لطف آتا ہے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ یاد کریں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. ایک مرتبہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, فرشتوں جاؤ اور میرے ابراہیم کا امتحان لو. فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آنے کے بعد یہی تسبیح پڑھنے لگے, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان ذی العزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی والکبریائی والجبروت, سبحان ملک حی الذی لا ینام ولا یموت, سبحان قدوس ربنا ورب الملائکہ, اللہم اجرنا من النار. یہ دعا پڑھنے لگے تو فرشتے پڑھ رہے تھے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکل کر آئے, اے پڑھنے والوں تم کتنا اچھا میرے رب کا نام لے رہے ہو, ذرا ایک مرتبہ سناؤ نا. تو انہوں نے کہا ہم سنائیں گے, تم کیا دو گے؟ کہا کہ میری جتنی بکریاں ہیں میں سب دے دوں گا. ساری بکریاں اور آپ نے دے دی. پھر فرشتوں نے پڑھا تو اور اچھے انداز میں پڑھا. پھر کہا کہ ایک مرتبہ اور پڑھو نا. تو کہا کہ اب میرے گھر میں جتنے بڑے جانور ہیں وہ سب دے دوں گا. وہ بھی دے دیا اور سب دے دیا, جو کچھ تھا سب دے دیا. پھر کہا ایک مرتبہ اور پڑھو نا. پھر فرشتوں نے اور ایک مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھا تو پھر کہتے ہیں ایک بار اور پڑھ دو. تو فرشتوں نے کہا سب تو دے دیا, اب کیا دو گے؟ تو اس وقت کہا ایک مرتبہ یہ تسبیح اور سنا دو, ان جانوروں کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا تو تمہیں لگے گا, میرے رب کا نام مجھے سنا دو, میں انہیں چرانے کے لیے تمہارے ساتھ خود چل پڑوں گا. یہ ہے اللہ کی محبت. تو اس تسبیح کو یاد کریں, اس کی بڑی فضیلت. آدمی اگر پاک ہے اور وہ نہانا چاہتا ہے تو وہ غسل کر سکتے ہیں؟ ہاں, اگر وہ غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ویسے بھی جو ہے وہ روزانہ غسل کرنا یہ صحت کی دلیل ہے. ایک سوال آیا ہے, قرآن میں الف لام میم یاسین حامیم وغیرہ جس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, ان کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت تو نہ میں جانتا ہوں بلکہ جبریل بھی اس کی حکمت جاننے سے رہے تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے کہا الف, تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جان گیا. پھر کہا لام, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہچان گیا. پھر اس کے بعد فرمایا میم, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی تصدیق کی. اور اسی طرح سے جبریل علیہ السلام خاموش ہیبت زدہ تھے, یا رسول اللہ الف لام میم لانے والا میں ہوں لیکن میں نہ سمجھ سکا, آپ کیا سمجھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے جو تم نہ سمجھ سکو گے. تو جبریل جو بارگاہ رسالت میں قرآن لے کر آتے ہیں وہ اس کی حکمت نہ جان سکے, تو میں تو بالکل نافہم, اور بلکہ کچھ پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا, کچھ جانتے ہی نہیں, علم کے عین سے ناواقف ہے, ہم اس کی حکمت کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ جانے اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے. ہم اس کے بارے میں خاموش ہیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے اور بھی بہت ساری چٹھیاں بچی, انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے سے رکھتے ہیں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا رحمة